राइट ओके हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही थी और आज इसका होगा लेक्चर नंबर 6, जो कि लास्ट लेक्चर है, यानी कि आज हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो रही होगी, है ना। और इसका जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में, है ना। तो हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि इसमें जो वर्किंग मीडियम होता है दैट इज वाटर, ठीक है। और हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती है? तो हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। बोलो यस और नो। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हाइड्रोलिक मशीन्स आर दोज मशीन्स विच कन्वर्ट यू नो आइदर हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यह भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि एनर्जी पसेस्ड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एनर्जी, और जो शाफ्ट के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। शाफ्ट अगर रोटेट कर रही है इसका मतलब वहां पर कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो और आपको मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक हाइड्रोलिक मशीन्स वो जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक टरबाइन। और दूसरी हाइड्रोलिक मशीन्स वो होती हैं जो इसका उल्टा अगर हम कर दें कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक पंप। बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज यानी कि ये हाइड्रोलिक टरबाइन है, इसको हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिक पंप को आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है टुडेज टारगेट हाइड्रोलिक पंप, हम यहां पे पढ़ेंगे और इसी के साथ पढ़ेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, और हमारी यूनिट जो है वो अभी कंप्लीट होने वाली है। तो बहुत लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि अब एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं आप लोगों के। मार्च में सेकेंड वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा हम भी अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दो महीने, अब तो दो महीने, टू मंथ्स भी पूरे नहीं बचे हैं। तो लास्ट में आज क्योंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं अपनी यूनिट को, तो सिलेबस बनता है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊं, तो देखो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स लिखे गए हैं ये ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ। यहाँ पर जो हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोलिक टरबाइन की हम बात हो रही है, यू नो हाइड्रोलिक टरबाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पेल्टन यानी कि इम्पल्स टरबाइन की बात करी थी, और यू नो फ्रांसिस टरबाइन यानी कि हमने बात करी थी फ्रांसिस टरबाइन यानी कि रिएक्शन टरबाइन की, ठीक है। उसके बाद जो आज का टॉपिक है, देखो लिखा हुआ है ना, पंप, हाइड्रोलिक पंप की हम बात करेंगे, और हाइड्रोलिक पंप बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन भी बहुत सारे होते हैं। तो आपके सिलेबस में कौन से थे? पेल्टन और फ्रांसिस यानी कि इम्पल्स एंड रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब जो हाइड्रोलिक पंप भी कई टाइप के हो सकते हैं, तो आपके सिलेबस में क्या है? सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड देयर क्लासिफिकेशन, और साथ में देखो लिखा हुआ है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट। और यहां से कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यहीं से आएगा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। स्टार्ट करें फिर आज क्लास को। चलिए, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ एक बार फिर से, पंप क्या होता है, यू नो हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि वो हाइड्रोलिक मशीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पंप कहलाती हैं, ठीक है। द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, यहां पर जो हाइड्रोलिक एनर्जी रहती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में रहती है। आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान देना, द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू प्रेशर एनर्जी बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड यू नो जो कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा होता है, फ्लूइड, और यहां पर फ्लूइड क्या है, दैट इज वाटर, यस और नो, कि यहां पर बात हो रही है कौन सा फ्लूइड है, यहां पर जो फ्लूइड होता है दैट इज वाटर, ओके। यू नो द हाइट, एक बार दोबारा से इसको रीड करते हैं सेंटेंस को, If the mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid, the hydraulic machine is called centrifugal pump. क्या बोलेंगे इसको हम? Centrifugal pump. दो टाइप के पंप हम लोग पढ़ने वाले हैं, centrifugal and reciprocating. अच्छा जी, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो centrifugal pump की बात हुई है,
The centrifugal pump works on the principle of forced vortex flow, है ना? ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। एक होता है फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो और एक होता है फ्री वोर्टेक्स फ्लो, है ना? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक बताया मैंने आपको, लिखा हुआ है द फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, एक होता है फ्री वोर्टेक्स फ्लो, है ना? तो इसका मैं अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, फ्री वोर्टेक्स फ्लो का एग्जाम्पल, है ना, एक्चुअली जब फ्लूइड क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है और हम बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाते, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, तो वो क्या होता है, फ्लूइड रोटेट कर रहा होता है ना, इस तरह से गोल गोल घूम रहा होता है, लाइक दिस। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो, अभी नहीं समझ में आया होगा आपको, है ना? एक एग्जाम्पल देते हैं, पहले मैं बताऊंगा आपको फ्री वोर्टेक्स फ्लो का एग्जाम्पल, उसके बाद बताऊंगा आपको फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो का एग्जाम्पल। सुनना ध्यान से, जैसे वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के अंदर पानी भर दीजिए और बंद कर दीजिए, नीचे से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, वॉश बेसिन से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी तरीके से उसको बंद कर दो नीचे से, और टैब ओपन कर दो तो पूरा भर जाएगा पानी, किसके अंदर, यू नो, जो बेसिन के अंदर पानी भर जाएगा। उसके बाद जब पूरा भर जाएगा तो नीचे से ओपन कर दो, तो जब नीचे से उसको ओपन करोगे तो पानी जो है, जो उसके अंदर पानी था, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है, लाइक दिस, है ना? देखा होगा आप लोगों ने। तो जब ये पानी घूम रहा है इस तरह से गोल गोल, तो क्या आपने बाहर से कोई टॉर्क लगाया? क्या आपने कोई फोर्स लगाया? क्या आपने टॉर्क दिया इसको? कुछ नहीं। इसको बोलते हैं फ्री वोर्टेक्स फ्लो। यस और नो? दूसरी चीज, अब यू नो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो क्या होगा, इसमें हमको बाहर से टॉर्क देना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। मान लीजिए किसी बकेट में पानी लिया आपने, बकेट में पानी लिया और उसको बकेट को ऐसे ऐसे किया, तो क्या होगा, पानी घूमने लग जाएगा। अब पानी कैसे घूम रहा है बकेट के अंदर, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, बाहर से ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, बोलो यस और नो? तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। फ्री वोर्टेक्स फ्लो का एग्जाम्पल और एक मेरे मन में आ रहा है, यू नो, फ्री वोर्टेक्स फ्लो का किसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं एक बार आपको, फ्री वोर्टेक्स फ्लो। आपने देखा होगा नहर में जो पानी आपने देखा फ्लो होता हुआ, तो जहां पर यू नो गेट वगैरह डैम वगैरह लगे रहते हैं, पानी को थोड़ा सा यू नो स्पीड को बढ़ाने के, घटाने के लिए बनाया जाता है, कई लोगों ने आप में से देखा होगा। तो नहर में क्या होता है, जो पानी इकट्ठा हो रखा होता है तो वो गोल गोल घूमता रहता है, कहीं कहीं पे, कभी यहां बनेगा गोल गोल, कभी वहां बनेगा। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वोर्टेक्स फ्लो, क्योंकि वहां पर कोई यू नो पानी को घुमा थोड़ी ना रहा है, बाहर से थोड़ी ना कोई टॉर्क दे रहा है ना? तो इस तरह से पानी के अंदर इस तरह से बनता रहता है ना, इस तरह से गोल गोल घूमता रहता है पानी, बोलो ये सर नो? और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है ना, नहर में बहुत सारे लोग यू नो जब नहाने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, गलती से कोई कोई व्यक्ति अगर इसके अंदर आ जाता है, जहां पर पानी बहुत तेजी से घूम रहा होता है, और ये बहुत देर तक नहीं घूमता है, यो ये फॉर यू नो कुछ सेकेंड्स तक आता है, बनता है ये, और फ्री वोर्टेक्स फ्लो थोड़ी देर के लिए बनेगा, उसके बाद ही खत्म हो जाता है। मान लो गलती से कोई यू नो उसके अंदर कोई बंदा नहा रहा था, तैर रहा था उसके अंदर, और इसमें वो आ जाता है। अब यहाँ पर जो सेंटर होता है इसका, यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी, जब पानी गोल गोल घूम रहा होता है, यहाँ पर हाई वेलोसिटी होती है इसके सेंटर में। मान लो गलती से अगर कोई बंदा इसमें फंस गया तो ये नीचे ले जाएगा, आपको पानी सीधा नीचे ले जाएगा। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमको पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए ताकि ये पानी नीचे न ले जा पाए, या फिर ऐसे ही नीचे चले जाना चाहिए? क्या करोगे आप लोग बताइए? अगर मान लो गलती से इसके अंदर कोई फंस गया पानी के अंदर, इस वाले जहां मान लो यहां पर कोई बंदा तैर रहा था, अब क्योंकि तो अपने आप बन जाते हैं एकदम नहर के अंदर, पानी के अंदर, अब अचानक से घूमने लग गया पानी है और पता लगा इसके कोई व्यक्ति इसके अंदर फंस गया, तो उसको नीचे चला जाना चाहिए चुपचाप, या फिर एनर्जी लगानी चाहिए कि तैरना चाहिए कि ऊपर रुके रहना है, ऊपर रुके रहना है? तो चुपचाप कुछ नहीं करना है अगर ऐसे गलती से कोई फंसता है। एक्चुअली ये इस तरह से बनता है, ऊपर ये इसका एरिया ज्यादा होता है और नीचे जाकर के ये ऐसे हो रहता है, लाइक दिस, है ना? यानी कि इसकी इंटेंसिटी यहां पर ज्यादा है, ऐसे जाएगा ये घूमता घूमता, और मान लो कोई व्यक्ति एनर्जी सारी यहां पर लगा देगा और रुक नहीं पाएगा यहां पर, क्योंकि यहां वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, पानी तो लेके ही जाएगा उसको, उसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी, तो दिक्कत का विषय बनेगा। चुपचाप कुछ नहीं करना है, आराम से कुछ मत करो, जा चले जाओ पानी के, सांस रोको आराम से, है ना, और चले जाओ नीचे पानी के। तो जैसे ही व्यक्ति यहां से नीचे जाएगा तो यहां पर इसका इफेक्ट खत्म हो चुका है ना? और जैसे ही आप इधर आओगे या इधर आओगे, ऊपर यू नो पानी आपको ऊपर ले आएगा अपने आप। तो एनर्जी को खराब नहीं करना है गलती से भी, ऊपर नहीं रुकना है, चुपचाप नीचे चले जाओ और नीचे से आराम से इधर से बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, यू नो अदरवाइज बात बहुत सारी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बात कर लेते हैं, तो ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको बता दी यहाँ पर कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसके हम बात करने वाले हैं, वो यू नो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो पे, मतलब हमको बाहर से टॉर्क देना पड़ेगा, है ना? चलो
राइट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पंप की अगर हम बात करें, जैसे हमने टरबाइन को भी क्लासिफाई किया था, बहुत सारे तरह के होते हैं टरबाइन को क्लासिफाई करने के, इसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है मैंने कि भाई पंप को भी हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यू नो देयर एग्जिस्ट वाइड वैरायटी ऑफ पंप्स, बहुत कई तरह के कई वैरायटी के पंप जो है आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से, है ना। However, most of the you know broadly classified into two category. You know, first one is dynamic pressure pump and the second one is positive displacement pump. ठीक है, इसके अलावा ये चार्ट भी मैंने यहाँ पर देख रखा है आपको, आप इसको जो क्लासीफाई, अगर खाली क्लासीफाई करने के लिए दो नंबर में आता है तो ये तीन चार टाइप आप उसके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में तो वही लिखा हुआ है, यू नो डायनामिक प्रेशर पंप एंड दिस वन इज अ यू नो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसके अंदर फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। तो पहले बात कर रहे होंगे हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप की, उसके बाद बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप की। पहले भी एकेटीयू एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यू नो 10 नंबर में आई थिंक रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, तो हो सकता है कि इस बार सेंट्रीफ्यूगल पंप का आ जाए। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वीडियो लेक्चर है, यहाँ से हो सकता है आपको 10 नंबर का यू नो एक 10 नंबर का, या फिर जो पैटर्न चेंज हुआ है, पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का ही हुआ करता था के सीरीज में, है ना, के सीरीज में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता था यू नो वो 10 मार्क्स का आता था, और इस बार हो सकता है क्योंकि पेपर पहले 100 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अभी पेपर आपका 70 मार्क्स का होने वाला है बी सीरीज में, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पेपर आपका क्योंकि 70 मार्क्स का बनेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आपका 7 मार्क्स का आए। जो भी होगा लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आने की पूरी पूरी संभावना है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना। तो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, एक होता है इसके अंदर इंपेलर, दूसरा केसिंग होता है, तीसरा होता है सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। याद रखें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टर्बाइन, दो टर्बाइन पढ़े थे, यू नो एक रिएक्शन टर्बाइन और एक इम्पल्स टर्बाइन। तो ये रिएक्शन टर्बाइन का उल्टा है, ये रिएक्शन टर्बाइन का उल्टा है। आपको अगर याद आ रहा है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था वहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी जो केसिंग होती है वो स्पाइरल शेप में होती है, याद आ रहा है, और पूरे का पूरा जो पंप है उसके अंदर पानी भरा रहता है, पूरे के पंप के अंदर क्या रहता है, पानी, पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है आपका रिएक्शन टर्बाइन। तो यहां पर भी आप देखो, ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहां पर यू नो केसिंग। तो आप ध्यान देना, ये जो केसिंग है क्या ये स्पाइरल शेप की है, बोले सर नो, ये जो केसिंग यहां पर बनी हुई है ये स्पाइरल शेप की है जैसी रिएक्शन टर्बाइन में थी। ओके, यहां पर आप देखो ये है वाटर सम्प, यहां से वाटर को हमने यू नो निकालना है और यहां पर वाटर को जो है डिस्चार्ज करना है। पंप कहां पर लगे हैं, पंप का यूज कहां पे है, भाई आपके घर में भी पंप लगा होगा सबमर्सिबल, बोलो ये सर नो, तो क्या कर रहा है, नीचे से पानी को निकाल के ऊपर आपके जो छत पे वाटर टैंक रखा हुआ है उस टैंक तक वाटर को सप्लाई करता है, बोलो यस और नो। इसके अलावा यू नो पंप आपको कई जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, इंडस्ट्री में आपको मिल जाएंगे, आपकी कॉलोनी में टंकी लगी होगी वहां पर मोटर लगी रहती है, उसमें पंप लगा रहता है, पंप से वाटर जो है सप्लाई कर रहे होते हैं। किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, उस तालाब से पानी को खाली करना है, है ना, तो वहां पर हम पंप लगाएंगे और पंप से वाटर को वहां से किसी दूसरी जगह पर डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहां से वाटर को निकालना है और इस पंप के माध्यम से इस वाटर को यहां पर कहीं पर भी जहां पर भी ले जाना है उसको वाटर को डिस्चार्ज कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सक्शन पाइप, तो ये हो गया आपका यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक सक्शन पाइप, यहां से वाटर को सक करेगा और उसके बाद जैसे ही मोटर चलती है तो इसका जो एक इंपेलर होता है यहां पे, ये इंपेलर रोटेट करता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये यू नो इनको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आई ऑफ दी इंपेलर। तो यहां पर इस तरह के ब्लेड्स टाइप के जैसे टरबाइन में भी थे इस तरह के यहां पर लगे हुए इंपेलर के अंदर, तो वहां पर तो रनर हुआ करता था, यहां पर क्या बोल रहे हैं इसको हम इंपेलर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंपेलर क्या करेगा, जैसे ही देखो यहां पर जो शाफ्ट लगी हुई है, जैसे ही आप मोटर को ऑन करोगे, है ना, जैसे ही आप मोटर का बटन प्रेस करोगे तो मोटर चलेगी, तो मोटर क्या करेगी, इस इंपेलर जो है इसको घुमाएगी, तो जैसे ही वो घुमाएगी तो यहां से क्या करेगा, इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और यहां से वाटर इसके अंदर एंटर करेगा और वाटर जो है ऊपर, अगर यू नो डिलीवरी पाइप के माध्यम से वाटर जो है यहां पर ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यस और नो, यस। तो यहां पर इसको बोला हमने सक्शन पाइप और ये हो गया आपका डिलीवरी पाइप। यहां पर एक स्ट्रेनर भी लगी रहती है, छलनी लगी रहती है यहां पे, है ना, और यहां पर एक वॉल्व लगा रहता है जिसको बोलते हैं फुट वॉल्व, ठीक है, और यहां पर एक डिलीवरी वॉल्व लगा रहा है, यहां पर देखो सक्शन वॉल्व लगा हुआ है,
सक्शन पाइप है, सक्शन वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी पाइप है तो यहाँ पर डिलीवरी वॉल्व लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये वाटर चलाई जाएगा और इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ है एचएस, एचएस का मतलब है सक्शन हेड, ये सक्शन पाइप है, ये सक्शन हेड है, और ये लिखा हुआ है एचडी, एचडी का मतलब है डिलीवरी हेड, है ना, ये डिलीवरी पाइप है और ये डिलीवरी हेड है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अच्छा, इसके जो फर्दर इसकी जो पूरी डिटेल है, पूरी जो डिटेल है इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू नो इसका जो मैंने यहाँ पर स्लाइड कुछ हटा दी है आपको, ये जो आपके पार्ट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं सिंपल सा, और इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसमें मैं दो स्लाइड और ऐड करूँगा, और ये जो आपको पूरे पूरे नोट्स हैं वो आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, और सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं। और भी जितने भी हमारे यूनिट्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कई बच्चे नोट्स के लिए बोल रहे थे, हालांकि मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा और उसमें ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। तो दो तीन दिन में कम से कम दो तीन यूनिट जो है मैं फिर से अपडेट करने वाला हूँ, है ना, और वो मैं आपको जल्दी यू नो हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करूंगा। आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से वाटर आ रहा है नीचे से, और ये आपका कौन सा पंप है, दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सम्प से वाटर आ रहा है और यहाँ से डिलीवरी पाइप, यहाँ पर ये सक्शन पाइप लगा हुआ, यहाँ पर डिलीवरी पाइप लगा होगा, और वाटर को आप जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं जहाँ पर भी एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है जी। चलो उसके बाद आता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, है ना। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप तो आपने क्योंकि आईसी इंजन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आईसी इंजन में क्या होता है आपका यू नो उसके अंदर कंबशन होता है, पिस्टन ऐसे ऐसे मूव करता है, कनेक्टिंग रॉड चलती है, क्रैंक चलती है, और क्रैंक शाफ्ट अल्टीमेटली घूम जाती है। तो वहां पर यू नो पिस्टन की हेल्प से हम क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराते हैं, यानी कि पिस्टन ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, रेसिप्रोकेट करता है, और फाइनली क्रैंक रोटेट कर जाती है। तो इनपुट लिंक क्या है, पिस्टन, और आउटपुट लिंक क्या है वहां पे, क्रैंक, क्रैंक को रोटेट कराना है पिस्टन की हेल्प से। लेकिन यहां पर उल्टा है, क्योंकि वहां पर हमको पावर मिलती है, क्योंकि आईसी इंजन से पावर मिलती है, इसको तो पावर देनी पड़ती है क्योंकि ये क्या है, पंप है। तो इसमें उल्टा होगा, इसमें हम मोटर से क्या चलाएंगे, यहां पर देखो मोटर लगी होगी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लगी होगी क्या, मोटर, है ना, यहां पर मोटर लगी होगी, और मोटर की शाफ्ट जो है इस शाफ्ट से कनेक्ट है, और ये क्या है आपकी क्रैंक शाफ्ट है, क्या है ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक है, और ये क्या है कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या है पिस्टन, दिस इज द पिस्टन, और ये पिस्टन रॉड लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है यहाँ पर, पिस्टन के साथ जुड़ी हुई है पिस्टन रॉड। अल्टीमेटली करना क्या है हमको, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है वाटर सम्प, ये क्या है, दिस इज द वाटर सम्प, यहाँ से वाटर को निकालना है, यहाँ से वाटर को निकालना है, और डिलीवरी पाइप लगा हुआ है, यहाँ पर वाटर को क्या करना है, डिलीवर करना है, किसकी हेल्प से, रेसिप्रोकेटिंग पंप की हेल्प से। फिर से आपने जैसे पहले देखा यहां पर ये लगा हुआ है, भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, एनिमेशन में दिखाऊंगा इसका। ये जो है एचएस, दैट इज व्हाट, ये है आपका सक्शन पाइप, तो ये हो गया एचएस सक्शन हेड, ये है आपका डिलीवरी पाइप, ये हो गया एचडी, दैट इज डिलीवरी हेड, एचडी क्या होगा डिलीवरी हेड, एचएस क्या होगा सक्शन हेड, और इन दोनों का जो सम होगा उसको बोलेंगे हम टोटल हेड, है ना, इसका सम क्या हो जाएगा आपका टोटल हेड। अब देखते हैं वर्क कैसे करेगा, अब देखेंगे ये वर्क कैसे करेगा। तो इसके मेन कंपोनेंट्स देख लीजिए एक बार फिर से, यू नो सिलेंडर इसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द सिलेंडर लिखा हुआ है, ये हो गया सिलेंडर, अरे जैसे डॉक्टर की सिरिंज होती है सिलेंडर, और उस सिरिंज के अंदर क्या होता है, इस तरह से पिस्टन को आप जैसा आप उसको खींचोगे तो उसके अंदर दवाई भर जाएगी, मेडिसिन उसके अंदर एंटर कर जाएगी, और जब ऐसी पिस्टन को आप क्या करोगे उसको यू नो आगे प्रेस करोगे तो उसमें से क्या होगा, वो जो दवाई है बाहर आ जाएगी, पानी भर लो उसमें, है ना, ऐसा खींचो तो पानी भर गया, क्योंकि यहाँ पानी की बात हो रही है वाटर की, तो सिरिंज लो डॉक्टर की, है ना, उसको ऐसे खींचोगे तो उसके अंदर पानी भर जाएगा, उसको ऐसे प्रेस करोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, उसको बोल रहे हैं सक्शन, जैसे आप उसको पीछे की तरफ पुल कर रहे हो उसको बोल रहे हैं सक्शन, वाटर उसके अंदर एंटर करेगा, उसके बाद उसको प्रेस करोगे, उसको पुश करोगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा, उसको बोलेंगे डिलीवर, ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो एक सिलेंडर हो गया यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, तो ये देखिए पिस्टन हो गया, ये हो गया पिस्टन, और ये होगी इसकी पिस्टन की रॉड, है ना, ये जो रॉड है पिस्टन के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, तो यहाँ पर देखो ये है क्रैंक और ये होगी इसकी कनेक्टिंग रॉड, ये होगी कनेक्टिंग रॉड और ये होगी क्रैंक। देन सक्शन पाइप और सक्शन पाइप सक्शन वॉल्व, ये हो गया सक्शन पाइप, है ना, और ये हो गया सक्शन वॉल्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड दिस इज द डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वॉल्व, ये हो गया डिलीवरी पाइप,
दिस इज द डिलीवरी पाइप एंड दिस इज वॉट डिलीवरी वॉल्व। आगे समझते हैं इसकी वर्किंग, ध्यान देना एक बार। यहां पे छोटा सा इसका एनिमेशन दिखाते हैं पहले। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या लगी हुई है, क्रैंक। ये क्रैंक रोटेट करेगी, जब ये क्रैंक रोटेट करेगी तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है यहां पे, पिस्टन रॉड, तो पिस्टन रॉड इसको ऐसे खींच लेगी। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये जो आप देख रहे हैं छोटी वाली, तो क्रैंक है जो घूम रही है। छोटी वाली क्या है, क्रैंक है जो घूम रही है, और इस क्रैंक को कौन घुमाता है, मोटर की शाफ्ट, है ना। तो देखो ये गोल गोल घूम रही है क्रैंक छोटे वाली, और इस क्रैंक को कौन, ये जो कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, ये कनेक्टिंग रॉड को मूव करा रही कौन, क्रैंक। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं ये पिस्टन है, पिस्टन रॉड है। तो पिस्टन जो है, ध्यान देना, पिस्टन इधर की तरफ आएगा, जब ये पिस्टन इधर की तरफ आएगा तो ये जो सक्शन वॉल्व है, ये सक्शन पाइप है ना, यहां से पानी को ऊपर खींचना है। तो जैसे ही ये क्या होगा, पिस्टन इधर की तरफ आएगा तो इस सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, है ना। और जैसे ही पिस्टन मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये जो वॉल्व लगा हुआ है, जिसको हम सक्शन वॉल्व बोल रहे हैं, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और पानी सिलेंडर के अंदर भर जाएगा, पानी सिलेंडर के अंदर भर जाएगा। जैसे ये सिरिंज है, आपने उसको पीछे खींचा, उसके अंदर पानी उसके अंदर भर गया। अब क्या होगा, जैसे उसको प्रेस करोगे तो वो सिरिंज से क्या होगा, पानी बाहर निकल के इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो इस एनिमेशन में, जैसे ये पिस्टन इधर आ रहा है तो ये वॉल्व ओपन हो रहा है, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर पानी भर जाएगा, पूरा भर जाएगा पानी। ध्यान देखना, ये भर चुका है पानी इसके अंदर। अब ये वॉल्व बंद हो जाएगा और डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा, पिस्टन आगे जाएगा और पानी निकल के बाहर चला जाएगा। बोलो यस और नो। तो यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भाई पिस्टन जब इधर जाता है तो एक स्ट्रोक होता है, बोलो यस और नो, तो सक्शन होता है यानी कि पानी इसके अंदर आता है, उस समय डिलीवरी नहीं हो रही होती है। पिस्टन वापस आएगा, डिलीवरी हो जाएगी, पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब एक बार ऐसे जाएगा और एक बार ऐसे आएगा, तो एक ही बार पानी तो बाहर निकला, एक ही बार तो डिलीवर हुआ वाटर, बोलो यस और नो। क्योंकि यहां पर पिस्टन के एक तरफ पानी है, ये पिस्टन है, केवल इधर वाटर है, इसलिए बोलेंगे इसको सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्या बोलेंगे, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्योंकि पिस्टन के एक साइड वाटर है, दोनों साइड वाटर नहीं है। एक बार पिस्टन खाली चल रहा है, एक बार तो क्या है, एक स्ट्रोक में पानी बाहर नहीं निकला, एक स्ट्रोक में पानी बाहर निकल रहा है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। आ जाओ वापिस एक बार फिर से, ठीक बात है। चलो तो यहां पर आप देखो, यहां पर जैसे आप मोटर लगाओगे, मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये क्रैंक रोटेट करेगी। तो अभी देखो जब ये थीटा की वैल्यू कितनी है, जब थीटा की वैल्यू जीरो है तो क्रैंक ऐसे रही होगी। तो यहां पर देखो ध्यान से, जैसे ही आपने मोटर ऑन करी तो ये क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करेगी, जीरो डिग्री से एंगल इसका बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये ऐसे मूव करेगी, तो ये जो आपकी ये पिस्टन रॉड है, पिस्टन की, ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगी, खींचेगी, तो ये पिस्टन इधर की तरफ जाएगा। जैसे ही ये पिस्टन इधर की तरफ जाएगा, पिस्टन उधर की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स राइट जा रहा है, तो यहां पर आप देखो वाटर यहां से आएगा, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और पानी इसके अंदर भर जाएगा पूरे सिलेंडर के अंदर। और जब ये पिस्टन इधर जा रहा होगा तो ये डिलीवरी वॉल्व क्लोज रहेगा और सक्शन वॉल्व ओपन रहेगा। जैसे ही ये पिस्टन इधर चला जाएगा, यानी कि जो क्रैंक है वो 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी, तो पिस्टन इधर जा चुका होगा और इस सिलेंडर के अंदर वाटर भर चुका होगा। बोलो यस और नो। अब जब क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर चुकी है और ये फिर आगे रोटेट करेगी, 180 से आगे यहां तक आएगी, तो ये पिस्टन जो है वो इधर की तरफ आ रहा होगा और डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा। ये डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और सक्शन वॉल्व उस समय क्लोज रहेगा, वाटर जो सिलेंडर के अंदर भर चुका था वो बाहर निकल करके डिलीवरी पाइप के माध्यम से डिलीवर हो जाएगा, जहां पर भी वाटर को डिस्चार्ज करना है, तो यहां पर वाटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, वर्किंग में कोई दिक्कत अब आपको नहीं रहेगी। जब आपका आज एक बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं, या तो एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हो या फिर यूट्यूब के अंदर देख रहे हो, अब जिस दिन आपका एग्जाम होगा, चाहे आपका क्लास टेस्ट हो, आपका पीयूटी हो, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, उससे एक दिन पहले आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर भी, यूट्यूब के अंदर भी, आप जानते हैं स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन होता है 1.5, और कई बच्चे तो 2 की स्पीड पर देखेंगे एग्जाम से पहले, है ना। एक बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके नोट्स, इनका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाया है, अंग्रेजी में लिख करके हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहां पर हम टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप की, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द वॉटर बींग इन कॉन्टेक्ट विद वन साइड और बोथ द साइड ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के अगर एक साइड पानी है तो उसको बोलेंगे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगर पिस्टन के दोनों तरफ वाटर है तो क्या बोलेंगे, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स प्रोवाइडेड, अगर मान लो एक सिलेंडर है तो उसको बोलेंगे
सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटर पंप, सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटर पंप और डबल है, दो सिलेंडर लगे हुए हैं, तो डबल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग पंप, और अगर मान लो ट्रिपल, तीन सिलेंडर लगे हुए हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रिपल सिलेंडर। अच्छा एक बार और मैं इसको एनिमेशन के माध्यम से अगर आपको दिखाना चाहूँ, तो ये तो हो गया आपका सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन के केवल एक ही तरफ वाटर, इधर तो पानी है नहीं। आगे आ जाओ, इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो एक बार फिर से आप रिकॉल कर पाएंगे, यहाँ पर देखो ये पिस्टन इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर पानी इसके अंदर भर रहा है, ठीक है, तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर पूरा भर चुका है सिलेंडर के अंदर पानी, अब ये पिस्टन देखो एरो लगा हुआ इधर की तरफ जाएगा तो पानी बाहर निकल रहा होगा, तो यहाँ पर जब ये पिस्टन इधर आया तो डिलीवरी वाटर की नहीं हुई, वाटर का डिस्चार्ज नहीं हुआ, जब पिस्टन राइट टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब क्योंकि ये पिस्टन जो है, ये जो आप देख रहे हैं पिस्टन, ये जो आप देख रहे हैं पिस्टन, इस पिस्टन के केवल इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी नहीं है, यहाँ पर देखो केवल इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी नहीं है, इसीलिए तो बोला इसको सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि इसके अंदर पिस्टन क्या करता है, ये रेसिप्रोकेट करता है, जैसे पिस्टन आईसी इंजन के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। अब बात करेंगे यहां पर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की। डबल एक्टिंग का मतलब है जब ये देखो पिस्टन है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, पानी ही पानी है ना, पानी ही पानी है, तो पिस्टन के दोनों तरफ अगर वाटर होगा तो उसको बोला जाएगा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अच्छा तो ये कैसे करें, एक फायदा क्या हुआ इसका कि भाई यहां पर तो एक, जब पिस्टन, ये पिस्टन के दो स्ट्रोक में साइकिल कंप्लीट हो रही है, केवल एक ही स्ट्रोक में वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहां पर डबल एक्टिंग में क्या होगा, तो डबल वाटर डिस्चार्ज होगा, दुगना पानी जो है डिस्चार्ज ये पंप जो है कर पाएगा, है ना। देखो कैसे, यहां पर देखना, पानी इधर से जब ये पिस्टन इधर की तरफ मूव कर रहा है तो यहां से पानी एंटर करेगा, है ना, यानी कि इनलेट वॉल्व ओपन है, और इसका जो डिलीवरी, देखो यहां पर ये एक डिलीवरी पाइप यहां पे है, ये सक्शन पाइप यहां पे है, ये सक्शन पाइप, दो डिलीवरी पाइप हैं, दो सक्शन पाइप हैं, ध्यान देना, तो ये डिलीवरी पाइप का वॉल्व बंद है, जब ये पिस्टन इधर की तरफ आ रहा है, ये सक्शन वॉल्व खुला हुआ है, तो पानी इसके अंदर अंदर एंटर करेगा, बोलो यस और नो, और यहां पर इस तरफ जो वाटर भरा हुआ था ये वाटर यहां से डिस्चार्ज हो जाएगा, बोलो, और चलो अब पिस्टन इधर की तरफ आ चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, अब ये पिस्टन उधर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब इस तरह यहां पर क्या भर चुका है, अब लेफ्ट की तरफ पानी भर चुका है, यहां पर तो पानी भर चुका है पूरा, बोलो यस और नो, तो जब ये पिस्टन इधर की तरफ जाएगा तो यहां से देखो ये जो वॉल्व था ये ओपन हो जाएगा, डिलीवरी वॉल्व, और पानी यहां से बाहर निकल रहा होगा, और इधर से ये जो इनलेट जो सक्शन वॉल्व था, यहां से सक्शन पाइप का सक्शन वॉल्व था, यहां से पानी इसके अंदर एंटर कर रहा होगा, बोलो यस और नो, तो मतलब जब इधर आ रहा था ये टुवर्ड्स राइट तो पानी यहां से बाहर निकल रहा था, अब ये उधर की तरफ जा रहा है पिस्टन तो पानी यहां से बाहर निकल रहा है, बोलो यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। चाहो तो इसका एक बार एनिमेशन देख लीजिए ध्यान से, तो देखो यहां से इनलेट है, जब ये पिस्टन उधर जाएगा तो इधर से पानी इसके अंदर भर जाएगा और यहां से पानी बाहर निकल जाएगा, और जब ये पिस्टन उधर से वापस आएगा तो पानी यहां से एंटर करेगा और यहां से पानी निकल जाएगा, जो ब्लू ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये वाटर इसके अंदर है, तो पिस्टन के इधर भी पानी है। चलो तो ये हो जाएगा आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लास्ट टॉपिक है दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या टॉपिक बचा है लास्ट आपका, हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो ध्यान दीजिएगा, द हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ डिवाइस which is used for carrying passenger or goods from one floor to another floor in multi-story building or you know heavy weight को भी raise करने का काम करते हैं। बहुत general चीज है, आप सभी use करते हैं hydraulic lift का, है ना, और ये जो है ये work करती है principle of Pascal law। Pascal law हम already पढ़ी चुके हैं, तो Pascal law पर ये काम करती है, मतलब हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और ज़्यादा फोर्स को ट्रांसफर कर पाते हैं, हैवी वेट को हम लिफ्ट कर पाते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल लॉ, है ना। देखो यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने बताया भी था आपको, यहाँ पर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया और हमने हैवी वेट को, कार को या ट्रक को या बस को यू नो लिफ्ट कर सकते हैं, काम करता है ये यू नो पास्कल लॉ पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन करना है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, यू नो वन इज डायरेक्ट एक्टिंग एंड अनदर वन इज सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो देख लेते हैं डायग्राम के साथ इसको, ये देखेंगे ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर
डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखो लिखा हुआ है द इट कंसिस्ट ऑफ रैम स्लाइडिंग इन द फिक्स्ड सिलेंडर। ध्यान दो, यहां पर एक फिक्स सिलेंडर है और इस फिक्स सिलेंडर के अंदर एक रैम है। ये क्या है? दिस इज द रैम। लेट मी चेंज द कलर। बाद में बोलोगे आप, कमेंट करोगे, दिखाई नहीं दे रहा है कलर, है ना? तो यहां पर क्या है, एक फिक्स सिलेंडर है और ये है रैम। ये क्या है? रैम है। स्लाइड कर सकती है किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। और इस रैम पे क्या लगी हुई है? केज। क्या लगी हुई है? केज। होती क्या है केज? यू नो, यहां पर आप देखो, एट द टॉप ऑफ द स्लाइडिंग रैम अ केज इज फिटेड। ये जो रैम है इसके टॉप पे एक केज यहां पर लगी हुई है। और होती क्या है केज? तो केज वो चीज है जहां पर आप लोग खड़े होके जाते हो, बैठ के जाते हो, या फिर लेट के जाते हो, जैसे भी आप जाते हो, ठीक है ना? या फिर हम वहां पर कोई सामान रखते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं यहां पे, है ना? केज वही जगह है जहां पर आप खड़े होते हो लिफ्ट में जाने के लिए। ठीक बात है? यस। अब ये काम कैसे करेगी, ध्यान देना। द लिक्विड अंडर प्रेशर फ्लोज इन टू द फिक्स सिलेंडर। ये जो फिक्स सिलेंडर है इसके अंदर यहां पर देखो लिखा हुआ है क्या, तो लिक्विड अंडर प्रेशर, यहां पर इसके अंदर लिक्विड एंटर करेगा। अब यहां पर लिक्विड जाएगा, यहां पर एंटर करेगा, तो क्या होगा, इस लिक्विड की वजह से इस रैम के ऊपर, इस रैम पे क्या आएगा, एक प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से क्या मिलेगा? अभी आप पता है ना, P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका कुछ एरिया होगा, यस और नो? तो यहां पर इस लिक्विड जो है, अंडर प्रेशर जो आया, इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स यहां पर लगेगा, और फोर्स क्या हो जाएगा यहां से, पी इंटू ए। तो जब यहां पर फोर्स लगेगा एक ऊपर की तरफ लिक्विड की वजह से, तो ये रैम ऊपर की तरफ जाएगी, तभी तो आप लिफ्ट में जाते हो, आपको जाना है फोर्थ फ्लोर पे। तो बटन प्रेस करोगे, सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाएगा तो यहां से क्या होगा, लिक्विड आएगा अंडर प्रेशर, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये जो लिफ्ट है आपकी ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, व्हाटएवर, यू नो, तो आप जिस भी फ्लोर पर आपने बटन प्रेस किया है वहां जाकर के वो लिफ्ट रुक जाएगी, आप बाहर निकलेंगे। आपको नीचे आना है तो बटन प्रेस करो। मान लो ग्राउंड फ्लोर पर आपको जाना है तो क्या होगा, जैसे ही आपने बटन प्रेस करोगे सिग्नल जाएगा, इसके अंदर जो लिक्विड भर गया था, है ना, सिलेंडर के अंदर, तो लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो ये तो यू नो ग्रेविटेशन की वजह से क्या होगी, ये लिफ्ट, ये जो स्लाइडिंग रैम है ये नीचे की तरफ आ जाएगी। ये स्लाइडिंग रैम जो है स्लाइड होकर के नीचे आ जाएगी, आप नीचे आओगे और ग्राउंड फ्लोर से बाहर आ जाओगे। कितना सिंपल सा है, ठीक है? तो ये किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। आगे बढ़े, ठीक है? इसका जो दूसरे वाला टाइप होता है दैट इज सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो लिफ्ट है वो यू नो जो केज है, जो केज है, एक सेकेंड वापिस कम बैक, चलो, तो ये जो केज है, यहां पर जो केज थी, यहां पे जो केज थी इसके प्रीवियस वाले केस में, ये स्लाइडिंग रैम के ऊपर थी। स्लाइडिंग रैम ऊपर जाएगी तो ये केज ऊपर जाएगी जहां पे आप खड़े होके जा रहे थे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें सस्पेंडेड, नाम से पता लग रहा है सस्पेंडेड मतलब यहां पर जो केज है ये लटकी हुई है। केज क्या है? यहां पर लटकी हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं इन पुली के माध्यम से और इस वायर रोप के माध्यम से ये जो केज है जहां पर आपको कुछ सामान रख के ले जाना या खुद को जाना होगा, तो ये लटकी हुई है। बोलो, जैसे आपने देखा होगा यू नो हिल स्टेशन पे भी जो झूले होते हैं उनमें बैठ के जब जाते हो वो सस्पेंडेड टाइप ही तो होता है। तो यहां पर ये क्या है? लटकी हुई है, सस्पेंडेड है। ध्यान देना, यहां पर आप देखेंगे दो पुली है नीचे भी। एक तो यहां पर ये पुली लगी हुई है, ये है आपकी फिक्स्ड पुली, है ना, दिस इज फिक्स्ड पुली। और यहां पर आप देख सकते हैं ये है मूवेबल पुली, ठीक है? और यहां पर क्या लगी हुई है? एक स्लाइडिंग रैम, ये आप देख रहे हैं, ये स्लाइडिंग रैम है और ये एक सिलेंडर है। ये क्या है? एक सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर क्या है? स्लाइडिंग रैम लगी हुई है। ध्यान देना, तो जैसे ही मान लो आपको क्या करना होगा, इस मान लो आपको नीचे से ऊपर जाना है, इसको ऊपर ले जाना होगा केज को, मान लो फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे आपको जाना है, आपने बटन प्रेस किया, सिग्नल जाएगा, तो यहां से देखो लिक्विड अंडर प्रेशर, यहां से लिक्विड एंटर करेगा, एंटर करा लिक्विड और यहां पर लिक्विड जो है यहां पे आएगा, है ना, ये जो रैम है, दिस इज दी रैम, ठीक है? तो रैम पे क्या लगाएगा? एक प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स आएगा, ये फोर्स इस रैम को इधर खींचेगा, है ना? तो ये जब रैम इधर खींचेगी तो यहां पर जो पुली है ये तो मूवेबल पुली है, जैसे जैसे रैम इधर आएगी तो ये पुली जो है इधर की तरफ मूव करेगी, और ये वाली फिक्स पुली है, तो दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो यस और नो। एक ये फिक्स पुली है जहां पर ये एक रस्सी है, एक रोप है, यहां पर रोप आ रही है, रैप हो रखी है पुली के ऊपर, तो ये जो पुली जब ये रैम इधर आएगी तो ये पुली इधर आएगी तो ये रस्सी को खींच लेगी इधर से, ये वाली पुली, बोलो यस और नो। तो ये रस्सी जो है ऐसे खिंचकाएगी,
ठीक है, और जब ये रस्सी नीचे की तरफ खींचेगी, जब ये रस्सी नीचे की तरफ खींचेगी तो ये केज है ये ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि आपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे ऊपर चली जाएगी। बोलो यस और नो। अब आपको नीचे वापस आना है, आपने बटन प्रेस किया तो यहां पर जो इसके अंदर लिक्विड भर गया था है ना, तो सिग्नल जाएगा तो वापस क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड बाहर निकलेगा यहां से है ना, इसके अंदर जो लिक्विड भर गया था ये वापस आएगा तो क्या होगा, ये रैम जो है वापस आएगी, रैम इधर की तरफ आएगी तो ये जो पुली है ये वापस जाएगी, यानी कि दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस घट जाएगी तो ये रस्सी वापस जाएगी, ये रस्सी ऊपर की तरफ जाएगी। बोलो यस और नो। तो ये रैम जो केज है ये केज वापस नीचे आ जाएगी है ना। तो इस तरह से ये होगी आपकी सस्पेंडेड टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट। दो तरह की लिफ्ट मैंने आपको बता दी, एक कौन सी डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरी कौन सी होगी सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक, चलो तो यू नो ये यहां पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, क्या लिख के आना है आपको इसके अंदर। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन पहले भी सिलेबस में थी और अभी भी सिलेबस में है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन सिलेबस में है, लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर तो आ सकता है। ठीक है, चलो एक और टॉपिक था इसका, जो अगर हम पुराना सिलेबस देखें ना के सीरीज का, तो के सीरीज में एक और टॉपिक था इसमें हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, तो अभी हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर आपके सिलेबस में नहीं है, के सीरीज में था, बी सीरीज में जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर यहां से रिमूव कर दिया इस टॉपिक से। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या हाइड्रोलिक टर्बाइन, और आज हमने पढ़ा है क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक पंप। ठीक है, इसके नोट्स कंप्लीट करके जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि एक तो यू नो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में कुछ नोट्स मुझे ऐड करने हैं, बाकी सब यही रहेगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें थोड़ा सा नोट्स ऐड करेंगे और जितने भी हमारे फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नोट्स हैं यूनिट वाइज है ना, अभी तो आपको लेक्चर वाइज मैंने आपको दिए हुए हैं तो बच्चों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रही होगी, कभी लेक्चर वन लेक्चर टू इस तरह से आपको अलग अलग पीडीएफ देखनी पड़ती होंगी, लेकिन अपना काम है गेटवे क्लासेस का काम है कि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस हो चीज़ों को। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर तो सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें चली रही हैं, यू नो सीक्वेंस में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, उसी के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, तो पहले हम लेक्चर वाइज देते हैं नोट्स, उसके बाद जब यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम नोट्स को कंबाइन करके एक यूनिट की एक सिंगल पीडीएफ बन जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हमने बना दी है और कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, तो अभी दो तीन दिन के अंदर हर एक सब्जेक्ट की जो है यूनिट वाइज पीडीएफ आपको मिल रही होंगी, और फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यू नो जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको दो तीन दिन के अंदर कम से कम फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीन यूनिट्स की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी अपडेट करने के बाद, जो मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और कंटेंट ऐड करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स यू नो गेन कर सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूनिट नंबर 5 बची हुई है और मुझे एक लेक्चर और लेना है, जैसे कि मैंने बताया बेटा पहले यूनिट नंबर 1 का फ्री बॉडी डायग्राम और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि पहले हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट कर दें या फिर यूनिट 1 का पहला लेक्चर लें है ना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक लेक्चर लें, तो आप मुझे बता दीजिएगा क्या करना है, तो देखेंगे जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जिस यूनिट 5 की बात आप ज़्यादा करेंगे, यूनिट 5 के लिए कमेंट्स ज़्यादा करेंगे तो बहुत जल्दी हम यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बीच में कभी जो हमारा फ्री वर्ड डायग्राम है या इलेक्ट्रिक व्हीकल का छोटा सा टॉपिक आपको डिस्कस करना है वो कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।